इनसे हमारी नीति या मुनि को बुलाते हैं। हेलो भैया, कौन यार, क्या बात है भाई। बच्चों मैंने एक वीडियो देखी थी कहते हम दो हमारे दो, आपने दो बोल दिया तो अनूप भाई खुश हो गए। नहीं हम तो अभी जा रहे हैं, चार से पाँच भी हो सकते हैं। पहुंच चुके हैं अपने होटल विंटेज में। लास्ट टाइम भी हम लोग यहीं रुके थे और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। सो गाइस रूम टूर करा देते हैं, जो मैं बार बार भूल जाती हूँ। सो ये है हमारा पूरा रूम, होटल विंटेज चंडीगढ़, राइट। और ये हूँ मैं, बहुत गंदी दिखने वाली। और ये है कृषा, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे एक टीवी दे रखा है, यहाँ पे कॉफ़ी मग्स और ये सब पड़े हैं, यहाँ पे अलमीरा है, यहाँ पे दो चेयर्स हैं, साइड टेबल, वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। तो अब होगी लीपा पोती की तैयारी, आप देखिए यहाँ पे लुक ड्रेस वगैरह पहनूंगी। प्लीज़ 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 खूब सारा प्यार देना, बोलना अच्छी लग रही है, गंदी भी लग रही है, क्योंकि देखो हमारे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट है नहीं। और तो और आपको पता है हमारे घर में अभी अलमारी भी सेट नहीं हुई है, सोफ़ा भी नहीं हमारे घर में तो अभी, है ना। तो जैसे जैसे कुछ बोलते हैं अपने हाथ में वैसे पहन लेते हैं। अभी इसको बाहर ही जाना है। चलो चलो लेट्स गो यार, आप यही देख लो हमारा फाइनल लुक। सो ये है मेरी ड्रेस और इस तरीके से मैंने इसको वेयर करी है। कान में बहुत सिंपल से ऐसे वाले ब्लू इयररिंग्स डाले हैं, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करा है और बस ये एक ड्रेस पहनी है। तो आप लोग बताना, ये मेरी सैंडल है, ये इसमें शूज़ बीच में क्या कर रहे हैं, देखो ये देखो लुक में तुम मेरा क्या करते हो, दोनों बाप बेटी क्या। आज एक बार आकर चलोगे, लेकिन जैसे भी लग रहा है प्लीज कमेंट करना। गोस्वामी साहब का भी दिखा दूंगी लुक, ऐसे ऐसे इंडिविजुअली देख लो। ये ड्रेस थी जो मैंने बहुत पहले मंगवाई थी और उसके बाद ये टाइट करवानी पड़ी है, तो टाइट करवाई है मैंने। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अयाना तूबा के बर्थडे पे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स लेकर। बच्चे हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, पेरेंट्स हमेशा हैप्पी रहे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये खड़े पेट अंतर कर लो, शाबाश। तो ये रहा मेरे गोस्वामी साहब का लुक। ये क्या कर रहे हो, हमेशा ये देखो ऑन कर देते, बहुत अंधेरा यही दिखा। आई होप हम लोग सही लोकेशन पे हैं। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग वेन्यू पे, आओ दिखाते। पार्टी में बहुत ही सुंदर जगह है। और सबसे अच्छी बात क्या लगी थी मुझे, यहाँ पे पानी के बीच में जो है सिटिंग अरेंजमेंट है, ये देखो मतलब दिल सा बन गया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, ऐसे ही बुला रहा हूं हमेशा। अरे भाई हम चाहते हैं कि तुम फैमिली हो भाई हमारे, ना जब भी चीजें होती है हम तो तुम्हारे सामने रख देते हैं। तो हमारा ना दायरा वही है, जितने लोग पहले थे उतने ही है, जिनसे हमारी नीति है हम उन्हीं को बुलाते हैं। But thank you for inviting us. Thank you, sir.
अभिषेक का बर्थडे आ रहा है, स्विमिंग वाली पार्टी होगी वहाँ पे। चलो फिर ठीक है, कब आ रहा है? पार्टी कर रहे हैं, पूल पार्टी हर महीने, हर महीने, हर महीने। देखो क्या इस महीने सबके बर्थडे थे, तो जून में हमारा है सर, पक्का 200% पहुँचे। और बता हाँ मेरा बेटू, पास आने के लिए कैसे करें? कृषा कृषा, ओ चंदा मामा, ओ चंदा मामा, कृषा आओ, आ जाओ, आ जाओ कृषा, आ जाओ। थैंक यू आप आयो, थैंक यू, थैंक यू। इस बार हम वेस्टर्न, हम इंडियन हैं, आप सब वेस्टर्न भी हो, वाह वाह। इस बार हम इंडियन ये सारे वेस्टर्न। तो गाइस हम लोग सोच रहे हैं जब तक बच्चे हमारे सो रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि आयान ऑलरेडी अभी हॉस्पिटल से आया है, तो जब तक सो रहा है उसको सोने देते हैं। जब वो उठेगा तब हम उसकी एंट्री कराएंगे, फिर हम केक कट करेंगे। तब तक सारी गर्ल्स और बॉयज जिसको भी डांस करना है चलते हैं डांस। यार क्या बात है, सो यहाँ बच्चों की हो रही है एंट्री। बहुत सारी ब्लेसिंग्स बेटा, खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, मम्मा पापा का नाम रोशन करो, हैप्पी बर्थडे। जब बच्चे एक साल के होते हैं उनको तो उतनी समझ नहीं होती, बट बच्चों से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उनके पेरेंट्स। जब कृषा का फर्स्ट बर्थडे था हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, और वही खुशी जो है हमें यहाँ कृतिका पायल अरमान भैया के चेहरे पे देखने को मिल रही थी। बहुत 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 सारी दुआएँ, हमेशा आप लोग खुश रहो, एक साथ रहो, और बच्चे जो हैं आप लोगों का नाम रोशन करें। और हमेशा इतना वार्म वेलकम करते हैं कि बार बार इनसे मिलने का मन करता है, दे आर वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड। पहचाना हमें? और ये रहे हम सबके प्यारे फेवरेट लखन भैया, बहुत ही अच्छे हैं। और हम यहाँ बता रहे थे कि हमारा घर आपका घर ऑलमोस्ट पास ही है, तो फिर आपको आना है, और भैया ने कहा हम जरूर आएंगे। होती रहेगी पूरी पार्टी में, ऐसा लग रहा है पूरी पार्टी में सोने ही आई है, ये सो ही जा रही है। फिर हम मिले गॉर्जियस नीतू से, नीतू बहुत प्यारी लग रही थी, और हम एक बार मिल चुके थे तो हम लोग कंफर्टेबल हो चुके थे, और हम लोगों ने खूब सारा डांस किया इसके बाद। हाँ।
यहाँ स्वाति नीतू और मैंने मिलके खूब मस्ती की, खूब सारा डांस किया। और नीतू को याद था लास्ट टाइम तो मुझसे पूछ रही थी कि आप टैरो कार्ड रीडर हो ना, मैंने कहा हाँ। तो बहुत सारी बातें कर रहे थे हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा था। हमने नया घर लिया था, मैं बता रही थी कि आप लोगों को विज़िट करना है, आना है, क्योंकि नीतू और हमारा घर आस पास, मतलब पास में ही है। और मतलब मैं कह रही हूँ इतना कंफर्टेबल हो गया था ना बात करते हुए कि हमें इतना अच्छा लग रहा था। और बार बार ये कह लो कि मीटिंग बस होती रहे और हम लोग और मिलते रहे, यही हम लोग विश कर रहे थे। देखो लोगों की ग्रोथ हो जाती है ना, प्रोग्रेस हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, आपका बिहेवियर कैसा है। और वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। नीतू और लखन भैया दोनों ही बहुत कितने ध्यान से देख रही है आपको। पार्टी थी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ा आया। और कृषा जो है थोड़ी सी अभी ढीली सी हो रही है, अभी फटाफट से खाना खा लेते हैं। उसको खिलाया, थोड़ा बहुत दाल चावल खिलाया उसको, तो फटाफट से खाना खा लेते हैं। सो गई, सोई हुई, सॉरी मैं आने की टाइम नहीं दे पाई क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे। हमने बहुत एंजॉय किया, नहीं किया होगा क्योंकि आज मैं साथ में नहीं थी, छोटी सी लग रही थी, तुमको देख के एंजॉय किया। थैंक यू सो मच, सबको अटेंड करा, सबको करा, थैंक यू सो मच। आप आए एक वीडियो देखी थी सरिता के पेज पे, जिसमें गुड़िया ने और जो एक केशवी हुई है सेम ड्रेस में ना, आप लोग मैचिंग लेके गए थे, बहुत अच्छी ड्रेस, बहुत अच्छी वीडियो भी थी, बहुत अच्छी ड्रेस भी। सही है यार, देखो फैमिली हो गई कंप्लीट, और क्या चाहिए, गुड़िया हो गई, बस अब आपका नंबर है अगला। भाई ये कह रहा हूँ जल्दी, क्या लग रही है, मैं तो देख रही थी हमारा तो औरत, जैसे एक औरत समझ सकती है कि बड़ा मुश्किल होता है, कम से कम नहीं यार, कम से कम हमारी मेहनत आदमी अपने आप को वैसे बड़ा बोलता है, जो औरत होती है ना वो सबसे बड़ी होती है, बच्चा रखना और उसके बाद बच्चे को अपनी बॉडी खराब करनी, आदमी वैसे रहता है जिंदगी भर, औरत जो है वो बदल जाती है। बस भैया हो गए खामोश, बस हमारे अंदर है शब्द कम पड़ गए, मैं बोलना नहीं, नहीं तो तुम बोलो, तुम्हारे जवाब मैं दूंगी। देखो इनको जैसे अपना वो कर रही है, हमें दिमाग में टेंशन होती है, क्या दिमाग में टेंशन कि अब क्या करना है, इनने तो कर दिया लो अब करो, क्या करोगे, ये तो 9 महीने रखती है, हमें जिंदगी भर करना होता है, ये नहीं ये गलत फहमी है, आजकल सभी बराबर है, गलत फहमी है, क्यों हमें जिंदगी भर, अगर एक औरत चाहे तो वो भी सब कुछ कर सकती है, ठीक है, जब औरत एरोप्लेन उड़ा सकती है तो औरत बच्चे को भी संभाल सकती है। चलो मान लिया, चलो आज हार गए, आज हार गए, कोई नहीं, 3 साल बाद, 5 साल, कितने साल का हुआ अभी, एक तो अभी इतनी जल्दी क्या है, 5 साल बाद, 3 साल बाद तो 5 का ही होगा, 4 साल बाद, तुम भी कुछ बोल दो, तुम्हारे कितने स्टॉप है, एक और, हम दो हमारे दो, पहले से चला आ रहा है, हम दो हमारे दो, हमारे ये तो आप हमारे जैसे इंग्लिश लोग बोलते हैं कि हम एक, नहीं हम दो हमारा एक, आपने दो बोल दिया तो अनूप भाई खुश हो गए, नहीं हम तो अभी जा रहे हैं ना दुबई ट्रिप में जा रहे हैं, 4 के 5 भी हो सकते हैं। बाय भैया, थैंक यू फॉर हैविंग अस, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, दोबारा मिलेंगे। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं पार्टी से, हम लोग जा रहे हैं वापस होटल और बहुत मजे आए, तुम्हें ही पता है कृषा को गोद में लेके मुझे मेरे सही में अनूप जी की गोद में, और मतलब गाइस मैं सही बताऊं तो एक्चुअली वो आज जागी ही नहीं है, सिर्फ सोई है, आज सोई बहुत है ना, ये अभी भी सोई रही है गाड़ी में, या तो बच्चों को नींद बहुत आती है, और मैंने भी इसको काफी टाइम गोद लिया, बट एक तो ये मेरे पास आ नहीं रही थी, आज पापा के पास ही रह रही थी अपने, दूसरा प्लस मैंने हील्स पहनी हुई थी ना तो मुझे डिसबैलेंस का डर लग रहा था, तो ये पूरी पार्टी में उन्होंने इसको गोद ले रखा था, बट चलो बच्चों के साथ तो यही होता है ना, क्यों कहते हैं पापा है तो कोई फिक्र नहीं है, हैं तो कृषा के डैडा है तो कोई फिक्र नहीं है, बस फटाफट से जा रहे हैं वापस से, ये बहुत धीरे वाला रास्ता आ गया, तो हमने अंकुश भैया को कहा भैया साथ साथ चलना,
बहुत अच्छी पार्टी थी, बहुत 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 मज़ा आया, और ऐसे ही जो है हम सब लोग मिलते रहे, प्यार बना रहे। और आप सबसे भी यही कहूँगी गाइस, प्लीज़ वीडियो को खूब सारा प्यार देना, खूब अच्छे अच्छे कमेंट करना, क्योंकि देखो बच्चों का बर्थडे हर माँ बाप के लिए स्पेशल होता है, और जो वहाँ पे लोग जाते हैं वो भी जो है बहुत सारा प्यार और पॉजिटिविटी लेके जाते हैं। कहूँ मैंने फटाफट से एडिटिंग करी ताकि आप लोगों तक जो है वीडियो टाइम पे पहुँचा पाऊँ, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना। बहुत प्यारी प्यारी रील्स आने वाली है जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल आकांक्षा अनूप पे देखने को मिलेगी। और गाइज अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग के लिए कंसल्टेशन चाहिए और अपॉइंटमेंट बुक करवानी हो, तो यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ अपना इंस्टाग्राम का पेज। आपको जाना है इस पेज पे, बायो में लिंक है, आपको लिंक पे क्लिक करना है, डायरेक्टली आप हमारी व्हाट्सएप टीम से जुड़ जाओगे और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप, मनी, करियर, हेल्थ इशू, आप टैरो कार्ड रीडिंग के अपॉइंटमेंट से ले सकते हो। तो गाइस व्लॉग को करेंगे यहीं एंड, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षा अनूप व्लॉग। बाय।